तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इंडिया सोलो राइड 365x7। बहुत देर से वीडियो डालने के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहिए आप लोगों से। और यहाँ पर आप लोगों को मैं जो नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये केदारनाथ की सबसे बड़ी पार्किंग है। यहाँ पे आप लोगों को बाइक, कार, सारे कुछ रखने की जगह मिल जाएंगी, प्लस आपको लॉकर सुविधा भी मिल जाएगी। 2-3 दिन 4 दिन जितने दिन आप रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत बड़ा है, काफ़ी स्पेस है। अब हम लोग केदारनाथ कंप्लीट करके यहाँ से अपनी गाड़ी रिटर्न निकाल कर अपने सामान लेकर जा रहे हैं भगवान त्रियोगी नारायण के मंदिर, जो कि यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। गौरीकुंड से निकल जाने के बाद आपको सिर्फ 19 किलोमीटर पड़ेंगे। यहाँ से आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी जो कि आधे घंटे में पहुँचा देंगी। रास्ते भी अच्छे हैं, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं नज़ारे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए, हम लोग अभी जा रहे हैं त्रियोगी नारायण मंदिर और हमें ये क्या मिला यहाँ पर, ये छोटा सा झरना ऊपर से उतर रहा। ये माता जी का फोटो लगा हुआ है और यह पानी ऐसे हमेशा गिरता रहता है और ये पूरा प्योर पानी है, आप पी सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है। और यहाँ से ये 4 किलोमीटर रह गया, बस अभी हम लोग वापस से चढ़ना स्टार्ट करेंगे। कर लीजिए, चले। तो ये है फ्रेंड्स त्रियोगी नारायण मंदिर का नज़ारा। जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर बचा हुआ है और मैं आप लोगों को बतला दूं कि अगर आप केदारनाथ आए हैं तो त्रियोगी नारायण मंदिर ज़रूर आएँ, क्योंकि उससे मात्र 19 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ पर आप गाड़ी आराम से ले जा सकते हैं। घाटी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट आप पहुँच जाओगे। और ये इतना खूबसूरत जगह है, इसके बारे में आपको एक ही बतला दूँ, शिव जी या पार्वती जी का विवाह इसी स्थान पर हुआ था। तो ये जगह एक बार आप ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी तो जस्ट हम लोग पहुँच ही गए हैं, बाइक पार्क करने के बाद मैं आप लोगों को आगे ले जाता हूँ। तो ये है व्यू पॉइंट त्रियोगी नारायण मंदिर का, पूरा बर्फ़ से ढकी हुई चादर है, बहुत सारी पहाड़ है, एक के बाद एक के बाद एक। नीचे के लोग खेती भी करते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे गुफा है काली माता का, अभी तो हम लोग वहाँ विज़िट नहीं करेंगे, मंदिर तक जाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे जहाँ शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसे बोलते हैं भगवान त्रियोगी नारायण जी का मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये ब्रह्म कुंड है, यहाँ पर से हमेशा ये जलधारा बहती रहती है। ये जल अगर आप चाहें तो लेके जा सकते हैं, ये जैसे हम लोग अभी भर रहे हैं। इसमें देखिएगा आप, जैसे नीचे बहुत सारे सिक्के मिलेंगे आपको, बहुत सारे सिक्के गिरे हुए हैं, बहुत लोगों ने फेंके हैं, डाले हैं, जो भी कह सकते हैं। और मैं आपको मंदिर का इंटीरियर दिखा दूँ, यहाँ पे विष्णु भगवान की प्रतिमा चढ़ाई हुई है। कैमरा अलाउड नहीं, अंदर पंडित जी ने मना कर दिया, तो अभी बाहर का व्यू आप लोगों को दिखला दे रहे हैं। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर ले नहीं जा पाएंगे हम लोग। ये मुख्य मंदिर है, देख लीजिए आप लोग, ये मुख्य मंदिर है और इसमें अंदर में आज भी वो अग्निकुंड प्रज्वलित है जिसमें शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, और इसमें प्रसाद के तौर पर लकड़ी चढ़ाई जाती है उसी कुंड में, और आपको प्रसाद में, रिटर्न प्रसाद में वहाँ से लकड़ी का जो राख होता है वो प्राप्त होगा। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं त्रियोगी नारायण मंदिर से दोस्तों, और लगभग केदारनाथ की घाटी भी हमने लगभग पार कर लिया। इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं था, गाड़ी चलाने का बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने कैमरा ऑफ ही रखा था। और अभी जस्ट हम लोग वहाँ से निकल चुके और अभी हम लोग जिस रास्ते पर हैं वो रास्ता जाता है बद्रीनाथ की ओर, और बद्रीनाथ की ओर जाते वक्त रास्ते में बहुत सारे मंदिर आएंगे, बहुत से कुछ आएंगे जो हम लोग विज़िट करते हुए जाएंगे।
कितना ज़्यादा विंड ब्लास्ट है आप लोग देख रहे होंगे। और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर विश्व में, पूरे विश्व में कहते हैं कि शंकर भगवान सबसे ऊंची जगह पे है, वो जगह है टुंगनाथ महादेव, और उसके ऊपर चंद्रशिला है, और उसे इंडिया में मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं वो नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, भगवान का बुलावा है तो आप आ सकते हैं। तो ये चढ़ाई स्टार्ट हो गई है दोस्तों, और पूरी की पूरी हालत ख़राब हो रखी है। 6 किलोमीटर अभी हमें उस ऊपर जाना है, और इसे कहा जाता है द मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ चढ़ने के बाद और 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाएंगे तो चंद्रशिला नाम की जगह पड़ती है। ये यही चंद्रशिला है जो शंकर भगवान के माथे पे होती है। चंद्रशिला पर पहुँचने के बाद आपको हिमालय का 360 डिग्री व्यू दिखेगा। आपको यहाँ पर भी शो होगा, बट ऊपर का नज़ारा कुछ अलग ही है दोस्तों। और चंद्रशिला जाने के लिए आपको लगभग 8 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। इस जगह में जाड़े के दिन में बहुत ज़्यादा ही कुछ आकर्षक दृश्य नज़र आता है। ये अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं तो आपको बीच में ये सारे नज़ारे नज़र आएंगे। ये उसी के बीच का इलाका है। लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं हम लोग, और नज़ारे आप लोग देख रहे होंगे। चुपता को मिनी स्विट्ज़रलैंड बस इन नज़ारों की वजह से ही कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, मैं आपको दिखलाता हूँ आगे आके। पुराने टाइम में यहाँ पे आखेट किए जाते थे, मतलब ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होने के कारण यहाँ पे बहुत से जानवरों को मार दिया जाता था, तो ऐसा कानून बनाया गया। अब यहाँ पे वो प्रतिबंधित है। ये किसी अदर ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये समझ में तो नहीं आ रहा। और ये पोस्टर लगा हुआ है जो मैंने आप लोगों को तभी बताया था कि यहाँ पे आखेट करना दंडनीय है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें आगे भी लगी हुई है ताकि वन्य जीव और वन्य संपत्तियों को हानि ना पहुँचा सके। बहुत सारी जड़ी बूटी वाली चीज़ें भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। পিছন দিকে দেখ, ভিউটা রাখ, দেখ পাহাড়ের মনে হচ্ছে, এটা হিমালয় মনে হচ্ছে, ওখানে মনে হয় কেদারনাথ, কেদারনাথ ওইটা হিমালয় মনে হচ্ছে। क्या नज़ारा है दोस्तों, देखिए हिमालय बहुत ही नज़दीक है यहाँ से। और अगर आप 2 किलोमीटर और ऊपर चले जाएंगे, यानी चंद्रशिला पर जो कि टुंगनाथ से 2 किलोमीटर ऊपर है, पूरे 360 डिग्री व्यू दिखेंगे। ऑक्सीजन बिल्कुल फुल मात्रा में मिल रही, शांति छाई हुई है चारों तरफ। नज़ारे ही नज़ारे हैं, नज़ारे ही नज़ारे, इतने नज़ारे कि आपकी आँखें थक जाएंगी देखते देखते। काफ़ी ऊपर तक आ चुके हम लोग, लगभग मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर और बचा रह गया है। पूरी पहाड़ी में नज़ारों के साथ साथ औषधि जड़ी बूटियां भरी पड़ी हैं। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये जो फूल लगे हुए हैं, इनसे जूस बनाई जाती है, जो अगर आपको पीनी है तो ये आपके माना गांव में मिल जाएंगे। हमने टेस्ट किया था, काफ़ी बेहतरीन है और नेचुरल भी है। मौसम बेहतरीन है, हवाएँ चल रही हैं, धूप भी अभी खिली हुई है। लगभग 2:30 बजे का समय हो रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि काफ़ी से जल्दी ऊपर जाकर दर्शन करके वापस आ सकें, ताकि शाम से पहले निकल सकें। फिर कल को हमें आगे बद्रीनाथ की ओर भी निकलना है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट, क्योंकि ये एकमात्र शिव जी का ऐसा मंदिर है जो सबसे ज़्यादा ऊँचाई पर है और हिंदुस्तान में भी है। मात्र यहाँ से 1 किलोमीटर और रह गया है, रास्ता आप लोगों को सामने नज़र आ रहा होगा, देखिए वही इस तरह से है। फाइनली हम लोग टुंगनाथ महादेव पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये ऊपर का गांव है, यहां से लगभग 200-300 मीटर अगर हम लोग और ऊपर चढ़ेंगे तो मंदिर है, और यहां से गांव स्टार्ट हो जाता है। खाने पीने के लिए दुकानें हैं, और अगर आपको प्रसाद लेनी हो तो वो आप ले सकते हैं यहां से। मैगी
पराठा भी पूछ लीजिए। ये एक छोटा सा कुंड है, यहाँ पर से पानी बह रही है, बर्फ़ पिघल करके आती है और ये कुंड है, यहाँ पे आकाश कुंड लिखा है। तो ये रहा मंदिर परिसर में ऊपर जाने का रास्ता, मंदिर आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा होगा। ये है भगवान महाकाल का मुख्य द्वार। बहुत ज़्यादा ठंड है, सर्द ऋतु में यहाँ पे कुछ और ही नज़ारा आता है। ये देखिए, हर हर महादेव। क्या नज़ारा है अभी से यहाँ पर, ये नज़ारा अगर आप ऊपर चंद्रशिला पर चले गए तो क्या नज़ारा होगा। ये भैरव बाबा जी का मंदिर है। दर्शन करने से पहले जूते चप्पल खोलने के लिए जगह है। यहाँ पर ये पानी का इंतज़ाम किया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, जो पानी सारा पहाड़ों से ही आता है बर्फ़ को पिघल कर, और फिर यहाँ से आपको ये बर्फ़ देखिए अभी भी लगी हुई है, जबकि मैं ये मई का मंथ है फिर भी बर्फ़ है। जय बाबा टू। ये मंदिर से और एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है आप देख सकते हैं। ये मंदिर है और ये बोर्ड लगा हुआ है, ये रास्ता सीधा चंद्रशिला की ओर जाता है। 1 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, बट 2 से 2.5 किलोमीटर होगा और यहाँ से खड़ी चढ़ाई है। सोचा दोस्तों आप लोगों को एक नज़ारा दिखा दूँ, ऐसा लग रहा कि शायद ज़िंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तब जाके यहाँ पे आने का मौका मिला। ये हमारे सूरज साहब बैठे हुए हैं दिन में ब्लैक चश्मे लगाकर, और ये देखिए ये छोटा सा ढाबा है और हम लोग यहाँ पे कुछ खाने को आए, बट इस खिड़की के सामने और ज़्यादा देर बैठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं रही। जितना खूबसूरत आपको लग रहा ना उससे ज़्यादा ठंड भी है। 5 hours later. हे भगवान, क्या आवाज हो रखी है गाड़ी की, क्या मैं बोलूं। पहाड़ों की रानी, बहारों की मल्लिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। तो दोस्तों लास्ट अब हमारा कैमरा बंद हो गया था क्योंकि बैटरी बिल्कुल भी नहीं थी, और हम लोग लगभग 4 घंटे की बाद वहाँ से उतर गए थे तुंगनाथ महादेव से। और हम लोग अभी जिस रास्ते पे हैं वो रास्ता सीधे जाता है बद्रीनाथ की ओर, और कोशिश कर रहा हूँ कि शाम होने से पहले यहाँ से बद्रीनाथ की ओर पहुँच जाऊँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने बताया कि रास्ता बहुत ही टफ है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो रात में हम लोग कहीं पे रुकेंगे और मॉर्निंग पे निकलेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या प्लानिंग होती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, आगे की वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर सारा कुछ दिखलाता हूँ, और बहुत ही माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी लेट से वीडियो डाल रहा हूँ, बट अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक फॉलो कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।